हरियाणा के हिसार में प्रदेश में 10 वर्ष के बेहतरीन संगठनात्मक कार्य करने वाले भाजपा संगठन महामंत्री के सम्मान में पार्टी कार्यालय में विदाई समारोह करवाया गया। इस अवसर पर दिग्गज भाजपा नेताओं ने सफल कार्यकाल के लिए भाजपा संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट को बधाई दी। भाजपा संगठन महामंत्री ने हरियाणा में 10 वर्ष के दौरान अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि प्रदेश में पार्टी को जो सफलता मिली है उसका श्रेय समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमने अभी बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन अभी भी सबसे अच्छा करने के लिए हमें बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं पब्लिक एंटरप्राइजेस ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा कि संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट ने अपने कार्यकाल के दौरान संगठन व पार्टी को बेहद मजबूत किया है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश की जनता ने लगातार 2 बार भाजपा की सरकार को बनाकर सेवा का अवसर प्रदान किया है। सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 24 तारीख को चुनाव की उन्हें जो जानकारी मिली थी शायद चुनाव की तारीख निर्धारित हो गई होगी जैसे कि चर्चा आई थी। यहां आने के बाद किसी से बातचीत अभी तक नहीं हुई है। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में सुरेश भट्ट जी ने लगभग 10 साल तक हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने सेवा पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दी। तो आज उनका विदाई समारोह यहाँ पे रखा गया था। इसके बाद वो उनको अपने इनका जो गृह क्षेत्र है उत्तराखंड प्रदेश है जो इनका, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेवारी लेकर के पार्टी के काम में लगाया जाएगा। तो इसलिए आज उस कार्यक्रम के नाते यहाँ पर विदाई समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया। देखिए अभी 24 तारीख को जो जानकारी मिली थी शायद डेट इसके निर्धारित होगी ऐसी भी चर्चा आई थी, क्योंकि अभी मैं आया था आने के बाद मेरी किसी से बातचीत हुई नहीं है। तो जो जो भी कार्यकर्ता हमारे जो चुने हुए पार्षद हैं उनमें से सीनियर डिप्टी मेयर या अन्य की जिम्मेवारी उसके नाते होगी वो बैठ करके हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उसको देखें। सरकार की जो हिदायतें हैं वो पूर्व की तरह कि हम सब लोग समय समय के लोग होते रहते हैं, फेस कवर का भी इस्तेमाल करें यानी कि मास्क का इस्तेमाल करें, जो उसमें सावधानियां हो सकती हैं उस प्रकार की सावधानियां बरते, खुद भी इस बीमारी से बचो, अन्य लोगों को भी इससे बचाएं। मुझे नहीं लगता कि अभी इस प्रकार की कोई नौबत है। ये समय समय पर पहले भी इसमें उछाल आता रहा है कोरोना के केसों में, क्योंकि पीछे दीपावली का त्यौहार था तो स्वाभाविक है कि बाजारों के अंदर भीड़ भी हुई, लोगों का आवागमन में एक दूसरे स्थान पर हुआ है। तो ये एक स्वाभाविक सी इस प्रकार की एक पूर्व में भी हमने देखा है गतिविधि एक किस्म की रही है, कोरोना का ग्राफ बीच में बढ़ा है घटा है, तो धीरे धीरे करके क्योंकि लोग अब अवेयर हो चुके हैं, लोगों को इस बात की जानकारी तो भी मिल चुकी है कि किस प्रकार से कोरोना से बचा जा सकता है। सरकार को भी जो जो भी कदम उठाने चाहिए थे, चाहे वो टेस्टिंग लैब की बात हो, चाहे वो पीपी किट उपलब्ध करवाने की बात हो, चाहे वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने सारी व्यवस्था खड़ी कर रखी है, लोग अवेयर हो चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब भविष्य में जो एक बार थोड़ा सा इसमें उछाल दिखाई दे रहा था वो एकदम से कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.